श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बेटी पिंकी को। सगाई विवाह की वीडियो जिसमें वह खुश दिख रही थी, उनकी भी साथ में तस्वीरें जिन्हें पुलिस खोज रही है। अत्यंत दुखद है। पिंकी का मायका सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना अंतर्गत भुसौलिया में था और ससुराल ओबरा में थी। ससुराल पच के लोग मूलतः ओबरा के नहीं। पिता की तहरीर पर ओबरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया हत्या और दहेज अधिनियम में। सास को मौके से हिरासत में ले लिया गया था, जिसे मामला पंजीकृत होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के आरोपी पिंकी का पति, ससुर और ननद भी हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। मायका वालों की माने तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 22 वर्षीय पिंकी की शादी 18 फरवरी 2022 को हुई थी। 4.5 महीने भी नहीं बीते तब तक दहेज में हत्या हो गई। पिता की माने तो इकलौती बेटी के नाते पिता ने सामर्थ्य से अधिक दहेज दान दिया। जमीन गिरवी रखी, 5 लाख नकद, अर्टिका के लिए 12 लाख दिया। गाड़ी का लोन भी पिता ही चुकता कर रहा था। इसी बीच 20 लाख की और डिमांड हो गई। पिता ने मना भी नहीं किया, पर देने की सामर्थ्य भी नहीं थी। पिता फूफा पुआ की माने तो 29/30 जून 2022 की रात्रि पति और सास ने पिंकी को जहर देकर मार दिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पिंकी के परिजनों में गुस्सा और आक्रोश है। बेटी पिंकी को जहर देकर मारने के आरोप से विशेषकर बेटियां अत्यधिक चिंतित हैं। 21वीं सदी में अभी भी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर के चिंता स्वाभाविक ही है। बेटियों के माता पिता या उनके परिजनों को भी अपने विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बेटियां असुरक्षा को लेकर के मायके में बात करती हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पहले का समय था जब ससुराल पक्ष के लोग चाहे जो कुछ भी हो जाए 7 जन्मों की बात करके रिश्ते का निर्वाह करते थे। बहुत कुछ ऊंच नीच होने के बाद भी जिंदगी एक साथ गुजर बसर करते थे, पर उसमें अब बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। बेटियों का घर विवाह के बाद ससुराल ही है। अत्यंत दुखद बात है कि हिंदू रीति रिवाज में बेटियों का जब निधन होता है तो उसके ससुराल के लोग ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। मायके के लोग प्रतीक्षा करते रहे, जब कोई नहीं पहुंचा तब जा करके प्रशासन को खबर दे करके मजबूर होकर के पिंकी के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। पिता की दशा अत्यंत दयनीय थी। जिन लोगों ने वह वीडियो देखा होगा, दिल कांप उठता है। माँ का विलाप जिसने सुना है वह अत्यंत हृदय विदारक है, स्वाभाविक भी है। अभी तो बहुत कुछ करना शेष था। भला किस माँ बाप को यह उम्मीद होगी कि महज 4.5 महीने में ही उसकी बेटी के साथ इस तरह का हश्र होगा। यह अत्यंत दुखद है, घृणित है, निंदनीय है। इस तस्वीर में सबसे नीचे बाईं तरफ पिंकी, ठीक दाहिने उसका पति और पिंकी के ठीक ऊपर उसके ससुर और उनके बगल में सास और सबसे इस तरफ उनकी ननद। इन चारों के ऊपर दहेज को लेकर के हत्या का आरोप लगाया गया है और यह विवाह के अवसर पर शुभाशीष देते उनके परिजन, जिनके मन में न जाने क्या क्या भाव होंगे। बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जा रही है, इसमें भी देखें आप बेटी के साथ उसके सास ससुर और पति बैठे हुए थे। इन तस्वीरों में आप देखें फूफा है सबसे तरफ बाएं, जो जिन्होंने शादी तय की थी।